जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हैं। हालेलुया। और ये नया साल मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में अद्भुत आशीषें लेकर आएगा। लेकिन कैसी आशीषें दोस्तों? नया साल तो आ गया, परमेश्वर ने हमें नया साल दिया, नया मन दिया, नई आत्मा दी है और परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों की बारिश हम पर की है और विश्वास दिलाया है कि वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना है हमेशा कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना है। हमें जो कुछ भी दिया है परमेश्वर ने, उसके राज्य की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए उसने हमको चुना है। उसकी महिमा का कारण हम बने, इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। ये कभी नहीं भूलना है। ये नया साल हमारे जीवन में सुख लेके आए, ये नया साल हमें पैसा दे, ये नया साल हमें आशीषें दे, नहीं। हम आशीषों का कारण तभी बन सकते हैं जब हम आत्माओं को जीते, जब हम परमेश्वर के वचनों को समझे, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चले। हालेलुया। तो आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग मैंने हगै की पुस्तक से लिया है, उसका पहला अध्याय, उसका पांचवा और छठा। और ये वचन ही हमें परमेश्वर के द्वारा एक हिदायत के रूप में मिले हैं कि हमें ये साल कैसे बिताना है। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने आचरण पर विचार करो। तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा। तुम खाते तो हो परंतु तृप्त नहीं होते हो। तुम पीते तो हो पर प्यास नहीं बुझती है। तुम कपड़े पहनते तो हो पर गर्म नहीं होते हो। जो कमाता है वो अपनी मजदूरी छेद वाली थैली में रखता है। कटाक्ष, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है आपको और मुझे भी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि हमें अपने अपने आचरण पर विचार करना है। इस नए साल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दूसरों की तरफ ना देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे जी रहे हैं, दूसरे कैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, दूसरे अपना जीवन कैसे बिताते हैं। नहीं, हमें अपने आचरण पर विश्वास करना है कि मैं कैसे जीवन बिताता हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है, मेरे जीवन में वचन कैसे काम करते हैं, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता हूं कि नहीं बनता हूं, मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा कैसे लोगों के लिए आशीष का कारण बनता हूं। ये सारी चीजें हमें अपने आचरण के लिए, अपने बारे में पहले सोचनी है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो हमें प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन क्या कहता है कि तुमने बोया तो बहुत लेकिन काटा बहुत कम। वचन क्या बताना चाहता है? हमने अपना जीवन बो दिया लेकिन काटा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं काटा? क्योंकि हमने अपना जीवन तो बो दिया। हम शारीरिक रूप में तो परमेश्वर को हो गए लेकिन मन से नहीं हो गए। हमारा मन अभी भी संसार में है। मेरे भाई, हमें रोज ये जांचना है कि हमारे अंदर कितना इश्यू है और कितना संसार है। हर काम में जब भी हम कोई काम करें, हम ये जांचे कि हम में ईशु कितना है और हम में संसार कितना है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हम में ईशु कितना है, थॉमा जिसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया था, ईशु मसीह के सामने चलता था, इर्द गिर्द चलता था, उसकी सेवा करता था, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ जब ईशु मसीह आए चेलों से मिलने के लिए? तो थॉमा क्या कहता है कि मैं जब तक ईशु मसीह के छेद में उंगली ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने शरीर के रूप में तो प्रभु को दे दिया था लेकिन मन से नहीं दे पाया था। इसलिए उसने बोया बहुत काटा नहीं। क्यों नहीं काटा? क्योंकि वो मन से जानता नहीं था, मन से परमेश्वर को नहीं समझता था। मन से उसने कब समझा? जब परमेश्वर ने दया की, जब परमेश्वर आया उसके सामने और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, तब थॉमा ने कहा, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इसराइलियों के साथ यही हुआ था। 40 साल तक वो भटकते रहे शारीरिक रूप में, मन से प्रभु के कालीन नहीं आए। इसलिए कोई भी, सिर्फ दो लोगों के सिवा कोई भी परमेश्वर की उस प्रोमिसिंग लैंड तक नहीं पहुंच पाया। फिर ये वचन क्या कहता है कि तुम खाते तो हो लेकिन तृप्त नहीं करते। क्या खाते हो? हम आत्मा में, हमें क्या खाना है? हमारा भोजन क्या है? वचन। हम पढ़ते हैं, हम दिन भर बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं लेकिन तृप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अच्छी भूमि में उसे बोते नहीं है। हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हम वचन के मुताबिक अपने जीवन को नहीं बिताते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने फारिसियों से क्या कहा था, महायाजकों से क्या कहा था, यूनानियों से क्या कहा था कि हे सांप के बच्चों, पश्चाताप के मुताबिक फल लाओ। अगर तुम पश्चाताप कर रहे हो तो उसके मुताबिक काम करो। हम अगर यीशु मसीह का जीवन जी रहे हैं, हम अगर ज्योति का जीवन जी रहे हैं, तो हमें उसके मुताबिक काम चलना है, उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताना है।
हालेलुया। इसीलिए इसी वचन का अंतिम क्या कहता है कि जो कमाता है लेकिन उसकी जो थैली है, उसकी जो जेब है, उसमें छेद है। क्यों छेद है मेरे भाई? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे हैं। क्यों छेद है? मलाकी 3:10 कहता है, हम बहुत मलाकी आपका 3:10 के बारे में बात करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा का ये वचन है कि सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। वचन को समझिए मेरे भाई, क्या लिखा है? सारे दशांश, पैसे के नहीं, सारे, आपके काम के, आपके समय के, आपकी योजनाओं के, आपके जीवन के सारे दशांश। हम सिर्फ पैसे के दशांश देते हैं और भूल जाते हैं। हम समझते हैं हमारा काम हो गया और आकाश की तरफ देखते हैं कि अपरंपार वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। बाइबल कहती है सारे दशांश, अपने जीवन के, काम के, अपने हर चीज के। हमारा अपना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। हम यीशु के हैं, हम परमेश्वर के हैं। इसलिए ये 2018 साल हमारा है क्योंकि हम अपने नहीं है। ये 2018 साल हमारा है क्योंकि हम यीशु के हैं। ये 2018 साल हमारा है क्योंकि हम परमेश्वर की वाचा में बंधे हुए हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। विश्वास करिए मेरे भाई, ये 2018 साल हमें जीतना है। हम जहां नहीं गए हमें वहां जाना है। हमें जिसको नहीं सुनाना है, हमें सुनाना है यीशु मसीह के बारे में, और परमेश्वर की जो आज्ञा है, उसका जो वचन है, उसके द्वारा अपने जीवन को बिताना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का पल अद्भुत है, तेरा वचन अद्भुत है, और मैं देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष और सुख और चंगाई मांगता हूं, और परमेश्वर को विश्वास मांगता हूं ताकि इस अंतिम समय में हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत रहे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई। आमेन।